नंबर 24 देखिए, इसे भी हमें प्रूफ करना है। तो पहले साइन फॉर्मूला यहाँ देख लेते हैं। साइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई में साइन ए इक्वल टू बी बाई में साइन बी इक्वल टू में सी बाई में साइन सी इक्वल टू में के, ये हम लोग ऐसे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा आपका के साइन ए, बी का वैल्यू हो जाएगा के साइन बी, और सी का वैल्यू हो जाएगा के साइन सी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एल एच एस वाला पार्ट ले लेते हैं। ए इंटू में कॉस सी माइनस का कॉस बी दिया हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ ए का वैल्यू रख देते हैं। ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर के साइन ए इंटू में कॉस सी माइनस कॉस बी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं, एक काम करते हैं। अब यहाँ पर के साइन ए का फॉर्मूला हम ले सकते हैं टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, और इसका साइन कॉस सी माइनस कॉस डी वाला लगा देते हैं, तो हो जाएगा टू साइन सी प्लस बी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू, ये ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पर हम लोग टू टू या फोर, फोर के हो जाएगा, और साइन ए बाई टू है ना, तो ए को हम लोग क्या करते हैं 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू कर देते हैं। अच्छा, और कॉस ए बाई टू को ऐसे रहने देते हैं। फिर अंदर देखिए इसमें साइन, यहाँ बी प्लस सी के जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस ए और बाई में टू, और फिर साइन बी माइनस सी बाई टू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 4k, यहाँ साइन आ जाएगा 90 माइनस का बी प्लस सी बाई टू, और यहाँ कॉस ए बाई टू, यहाँ पर अलग अलग डिवाइड करेंगे, साइन 90 माइनस का ए बाई टू, और फिर यहाँ पर साइन बी माइनस सी बाई टू। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 4k, यहाँ पे आ जाएगा साइन क्या, कॉस हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे इसको पहले ले लेते हैं, यहाँ पे साइन बी माइनस सी बाई टू। ठीक है, और फिर यहाँ पे कॉस ए बाई टू, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस ए बाई टू। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ हम लोग इसमें से टू यहाँ इसके साथ लगा देते हैं, तो बच जाएगा आपका 2k। ठीक है, और एक 2 यहाँ लगा देते हैं, 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू में साइन b माइनस सी बाई टू इंटू में यहाँ पर आपका है cos स्क्वायर a बाई टू। एक काम करते हैं, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2k यहाँ पे आ जाएगा, किसका फॉर्मूला है तो याद होना चाहिए, ये साइन साइन किसका a माइनस का, सॉरी साइन b माइनस का साइन c, b है ना जी, b और c है, तो साइन b माइनस साइन c का फॉर्मूला हो जाएगा, और इंटू में कॉस स्क्वायर a बाई टू। अच्छा, अब देखिए हम लोग इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा k साइन b माइनस का k साइन c इंटू में कॉस स्क्वायर a बाई टू। तो यहाँ पे इसके के साइन बी का वैल्यू बी हो जाएगा, और के साइन सी का वैल्यू सी हो जाएगा, और इंटू में कॉस स्क्वायर ए बाई टू, यही ना होगा जी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही ना हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो फिलहाल